स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। जी हाँ, हम उस आयोग के बारे में बात करेंगे जो उत्तराखंड के हजारों जो कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य तय करता है, लेकिन खुद उसके पास जो है इतने स्टाफ की कमी है कि वो बाहर की आउटसोर्सिंग से हायर करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने कैंडिडेट्स के भविष्य लगभग दांव पर लगा रखा है। इसका आपने ताज़ा एग्जाम्पल देखा होगा, 2 से 3 साल पहले जिस तरह से पेपर लीक मामले में कांड हुआ, वहीं के आयोग के ही काफ़ी जो है सदस्यों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। इतना सारा डेटा है, इतना सारा सब कुछ है, और खुद अब आयोग जो है इससे परेशान होकर खुद की आईटी सेल जो है डेवलप करने के ऊपर विचार कर रहा है। लेकिन कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास खुद ही एम्प्लॉय नहीं है। तो उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करने वाला आयोग खुद खाली, सरकार का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है जो कि लगातार कल छाई रही। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में हमेशा भर्तियों को लेकर तमाम खबरें आती रहती हैं कि इतने बार इतने सालों में इतने हमने भर्तियां कहीं इतने हजार पद खाली हैं, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उसको लेकर तमाम चीज़ें लगातार जो है उठाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि विभिन्न विभागों में लोक सेवा आयोग से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होती हैं भर्तियाँ। और लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन आयोग और बोर्ड में ही स्थायी रूप से सभी पदों को नहीं भरा जा रहा है। विभिन्न संवर्ग के लिए आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए हैं। खास तौर पर आप देख सकते हैं जो सबसे रीढ़ की हड्डी मानी जाती है सभी विभागों में, समूह ग और घ के पदों को लेकर स्थायी नियुक्ति होना बाकी है। ऐसे में तमाम जो ऐसे राजनीतिक दल हैं आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तब वही चीज़ों करना भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर खाली पद अभी भी विभागों में जो है रिक्त पड़े हुए हैं, जिसको लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर अपनाई गई हैं। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुछ क्लर्क और कुछ आपके जो है ARO भी गए हुए हैं। लेट्स होप कि चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खुद का एक आईटी सेल डेवलप करने की सोच रहा है, जिससे कि आने वाले भविष्य में सारे डेटा रिकॉर्ड खुद ही आयोग मेंटेन करे और खुद ही उनको मैनेज करे। क्योंकि थर्ड आउटसोर्सिंग से हायर करने पर क्या होता है, सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं और पास्ट में ये सभी चीज़ें हुई हैं। तो बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।